रेडी है हैदराबाद जाने के लिए और मैंने सब कुछ पैक कर लिया ऑलमोस्ट। अभी कुछ बज रहे 5:15 और 5:30 के आसपास हमारी बस है, तो सुबह हम लोग पहुंच जाएंगे 7-8 बजे वहाँ पर। मैं काम से जा रहा हूँ, एक अर्जेंट काम है मेरा, उस कारण से जा रहा हूँ। आपको मेरे अगले ब्लॉग्स में पता चलेगा कि वो क्या काम था। मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता था हैदराबाद को अच्छे से, पर इस टाइम मेरे ख्याल से मौका नहीं मिलेगा मेरे को अच्छे से एक्सप्लोर करने का। मैं कल शाम की बस से वापस आ जाऊँगा परसों यहाँ पर इसी कारण। सो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे, ये वाला छोटा सा ब्लॉग रहेगा, ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा हैदराबाद, जितना मैं ट्रैवल करूँगा बस उतना ही दिखा पाऊँगा। सो अगर आपको अच्छा लगे ब्लॉग्स और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो भूलिएगा ना, और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। लाइक बहुत हेक्टिक डे जा रहा था मेरा, क्योंकि सर दर्द बहुत दे रहा था मेरा और नींद भी कंप्लीट नहीं हुई थी उस कारण से। बट ये इवनिंग देख के और ये सनसेट देख के मेरा पूरा माइंड फिर रिफ्रेश हो गया। आई एम रेडी टू गो नाउ। सो यार अभी अपने घर से अपन लोग निकल रहे हैं और बस हो चुकी है थोड़ी सी लेट, 6:15 हो रहा है अभी, 5:30 का उसका टाइम था, 45 मिनट्स अभी लेट हो गए बस अभी आ रही है, इस कारण हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं। सो लेट्स गो। बस में बैठ चुके हैं अपनी और बहुत ही अच्छी बस लगी मेरे को तो, जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत ही हाइजीन है, बहुत ही स्पेशियस है, ऑलमोस्ट ट्रेन टाइप की फीलिंग दे रही है वाली, क्योंकि इस साइड जो है लेफ्ट साइड में 1 सीटर है और राइट साइड में 2 सीटर है। सो बहुत ही अच्छा ट्रेन टाइप का ही लग रहा है ऑलमोस्ट पूरा। और मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि ऊपर वाली सीट ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा स्पेशियस लगी मेरे को और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो मेक श्योर यू बुक द अपर बर्थ बिफोर बिफोर कंफर्मिंग योर सीट। सो जो उसके आगे है नीचे नीचे वाले मेरे को जो सीट मिली है, मैंने जो बुक की है वो हम दोनों के नीचे की, मेरे और पापा की। सो बहुत बट वो बहुत ही ज़्यादा डब्बी डब्बी टाइप की लग रही थोड़ी सी, और बट एडजस्ट करना पड़ेगा आज की रात। एंड बस यही था। और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको बताते जाऊँगा कैसा है क्या है रूट, और ठीक टाइम पे पहुँचाती है कि नहीं, बिकॉज पहले से ही लेट है थोड़ी सी, अब कवर अप करती है कि नहीं, कैसे करती है और कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं देखेंगे वो। We rise like the sun and fall fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win. 'Cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. Whenever old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone. Afraid of being all alone. So, यार यही वो जगह है जहाँ पर हमारा हॉल टू है डिनर के लिए, और मैंने तो यहाँ पर डिनर किया नहीं है बिकॉज मैंने घर से ही खाना लेके आए थे हम लोग, और घर का ही खाना खाया हम लोगों ने, और इतनी कुछ खास जगह भी नहीं है वाली, बहुत ठीक ठाक ढाबा टाइप का लग रहा है। यही एक हॉल्ट होता है 20 मिनट का, 20 मिनट बोलते हैं बस 40 मिनट तक होता ही होता है। तो यही है वो प्लेस जहाँ पर ऑल्टो है, एंड मैं भी यही प्रीफर करूँगा आप लोगों को कि आप घर से ही खाना लेके आए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पता नहीं रहता है कौन से अच्छे ढाबे में रोकेंगे या कैसे ढाबे में रोकेंगे। तो मेक श्योर कुछ ना कुछ तो लेके आए खाने के लिए, ताकि एमरजेंसी में आप अच्छा खा पाए। आपका क्या नाम है? ईश्वर। ईश्वर भैया कहाँ से हो आप? रायपुर के? हैदराबाद के? नाम हैदराबाद। हैदराबाद के हो? बढ़िया बढ़िया। आप लोग को ये ढाबे वगैरह से कमीशन मिलता है कि खाना वगैरह फ्री ऐसा टाइप का? बस अच्छा, हमेशा यही रोकते हो कि हर हर बारी दूसरी जगह, हर बार यही पर? बोले तो अच्छा।
और हैदराबाद को कितने बजे चलेगी फिर ये कल रात? कल 7 बजे सात बोल बजे पहुंच जाएगी और रहा है। लेट निकलेगी? होगी है ना, एक हाँ घंटा लेट होगी। हाँ और तो रिटर्न सात में, बजे रिटर्न में आना ना जैसे तो लोग कहाँ गए हो? नाइट 10:30 बज चुके भाई। 10:30 बजे चलती है वापस नागपुर। और आप कहाँ से हो भैया? मैं रायपुर से, ये आप रायपुर से और ये हैदराबाद से? आपका नाम क्या है? महेश। महेश। तो यार ये थे ईश्वर भैया और भवेश भैया, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और अभी हम भी चलते सोने और इनको चलाने देते आराम से बिना डिस्टर्ब करे। बहुत डिस्टर्ब कर लिया मैंने वैसे भी पहले। चालू वापस चालू करूँगा व्लॉग। और अभी तो फुल स्पीड में चल रही गाड़ी, तो टाइम से पहुँच जाएंगे 7-8 बजे तक शायद हैदराबाद। तो अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग कहीं आसपास कामारेड्डी के पहुंचे हैं। यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर और है हैदराबाद, तो एटलीस्ट 2 घंटे हमें और लग जाएंगे हैदराबाद पहुंचने। रात को बहुत ही ज़्यादा कवर किया है भैया लोगों ने और ड्राइविंग बदल भी की है अभी। सो ये हाँ भैया, आपका नाम क्या है? सदाराम। और आपने कब चेंज किया अभी ये सीट, मतलब भैया के साथ ईश्वर भी? हाँ 2 बजे रात को, 2 बजे आपने चेंज किया। और तब कहाँ पहुँचे थे हम लोग? नागपुर पार होके, मतलब महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र तेलंगाना हम लोग कितने बजे क्रॉस किए? 3 बजे हम लोग तेलंगाना पहुँच गए थे। तो यार अभी कुछ बज रहे हैं सुबह के 7:45 और मेरा रात का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज सिर्फ मैं एक बार ही उठा रात को, वो भी जब नागपुर आया था, इसी कारण 12 बजे बहुत बड़ा हॉल्ट था, इसी कारण मेरी आँख आँख खुल गई। और अभी मैं सीधा 6:30 बजे उठाऊँ एंड लेट्स होप कि हम जल्दी हैदराबाद पहुंच जाए। बोल तो रहे कि अभी 7:30-8 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे हैदराबाद। लेट्स होप जल्दी पहुंच जाए। 6 आदमी ना, अरे काम करो, 6 आदमी बोलो तो कम से कम 1200 रुपए लेते वालों का ऑटो वाला। अरे काम करो, ये तो 20-25 रुपए में हो जाता है एक आदमी। तो काम करो, बैठे सुत रहो, ऑटो पकड़ो सीधा जाओ। ये ऑटो 300 400 2 घंटा ना చెప్పండి గురు గారు। यार ये पुराना रनवे, पुराना एयरपोर्ट है हैदराबाद का, बेगमपेट नाम है। सर फाइनली हम लोग अभी हैदराबाद पहुंच चुके हैं और यही लास्ट स्टॉप था पैराडाइज होटल के पास हमारा। और अभी हम लोग जा रहे हैं बस होटल की तरफ अपने, और वहाँ से बस फ्रेशन अप होके नहा धो के निकलेंगे अपन अपने काम से। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। तो यार अभी अपन LPG ऑटो में बैठ चुके हैं यहाँ पर और अपने होटल की तरफ बस जा रहे हैं। और देखते हैं कि 2-3 किलोमीटर दूर है बोल रहा है होटल, और जहाँ पर हम लोग को काम है बंजारा हिल साइड हम लोग को काम है जो, वो और 7-8 किलोमीटर दूर है होटल से भी। तो पहले होटल जाएंगे फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से निकलेंगे 1-1.5 घंटे बाद।
होटल है हमारा, होटल राहुल इंटरनेशनल। सर ये वाला रूम हम लोगों ने सिर्फ 2-4 घंटों के लिए लिया है, बिकॉज अभी हम लोग निकल जाएंगे बस 11 बजे के आसपास। अभी कुछ बज रहे 8:30-9। आलू का सब्जी पूरी के साथ, यार अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल से और काम के लिए निकल गए और नाश्ता भी कर लिया हम लोगों ने और बहुत ही स्वाद था पूरी आलू और बड़ा जो हमने खाया बहुत ही ज़्यादा स्वाद था। और अभी हम लोग बस निकल गए तो मैं आपको मिलता हूँ अपना काम करने के बाद। Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour, l'amour à la raison, l'amour et moi, nous sommes un, nous sommes un. करने एंड अभी हमारी 7:30 की बस है तो उससे पहले हम लोग चेकआउट कर देंगे होटल से। तो यही एक रीज़न है कि बहुत लेट भी हो जाता है इसलिए बंद हो एंड टाइम से निकलना पड़ता है ऐसी सिटीज में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिटी के मतलब रूल्स रेगुलेशन मेरे को बहुत अच्छे लगे बिकॉज मतलब स्ट्रिक्टनेस थी हर जगह। ट्रैफिक पुलिस में भी मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है, बिना मास्क वालों के लिए फ़ाइन है, बिना हेलमेट वालों के लिए फ़ाइन है एंड रेड लाइट तो ऑलमोस्ट हर कोई फॉलो करता है, जिससे ही समझ आता है मतलब कितनी बड़ी सिटी में और डिसिप्लिन है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, मामले में बहुत अच्छी है सिटी। एंड यार क्लीननेस की बेसिस पे बात करी जाए तो नीट एंड टाइडी है सिटी और ऐसा नहीं है कि हर जगह कचरा है या फिर
इधर पॉल्यूशन भी नहीं ज़्यादा लगा मेरे को, अलग ही ट्रैफिक है पर इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर। अरे पापा तानू किन लगी है सिटी? मेट्रो सिटी है बिजनेस पर्पज के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये सिटी में काफ़ी स्कोप होगा। और जिन्होंने छोटी सिटी पसंद होंगी है बड़ी सिटी ज़्यादा पसंद? लेकिन उस हिसाब से भी ट्रैफिक यहाँ काफ़ी कंट्रोल देगा, ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से कोई इतना ज़्यादा नहीं लगता कि मेरे को ट्रैफिक में जाम ज़्यादा लगता होगा या जाम में फंस गए जैसे दिल्ली बॉम्बे में होता है, उस टाइप का यहाँ मेरे को नहीं दिख रहा अभी फिलहाल। और जी कहते तो फिर रहना पसंद करोगे कि नहीं? यार बिजनेस स्कोप अच्छा है मेरे को लगता है यहाँ पे, उस हिसाब से रहना कोई यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। चलो फिर अच्छी शिफ्ट हो जाते हैं। चलो यहाँ पर हमने पापा की भी सलाह ले ली अपने और माननी पड़ती है, तो ये सलाह भी माननी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो उन्होंने जो भी कहा मेरे को भी सही लगता है हर चीज़ रोज रोज जो भी बोली। तो यार अभी हम लोग यहाँ पर रास्ता भूल गए, भटक गए थे थोड़ा सा ऑटो वाले करके, बट अब मिल गया हमारा होटल और अभी हम लोग बस जा रहे हैं सिंह ढाबा करके, यहाँ पर वही जा रहे हैं अभी खाना खाने। सर हम लोग ने अभी खाना खा लिया है और होटल की तरफ चल रहे हैं, पैक भी करा लिए रात के लिए ताकि बस में प्रॉब्लम ना जाए। और अच्छा था खाना, ठीक था, सिंग्स का सिंग्स ढाबा था जो भी वहाँ पर। और अभी बस होटल की तरफ चल रहे हैं, वहाँ से चेकआउट करेंगे और बस की तरफ निकलेंगे। मतलब सुबह से ही इतना रश 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 चल रहा है और अभी बस घर पहुंच जाए आराम से। सो यार यही पर फिनिश करते हैं आज का ब्लॉग, एंड यार अभी ब्लॉग एंड करने का यही रीज़न है कि अभी फिर से वही बस जर्नी है, तो मैं आपको सब कुछ पहले दिखाई चुका हूँ। अगर मेरे को फिर भी कोई पार्ट मिलेगा दिखाने लायक तो मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा इसमें, बट अभी भी आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी, मतलब शूट तो मैं कर दूंगा बट बोरिंग ही लगेगा सबको क्योंकि वो पहले देख चुके हैं आप लोग। तो यहीं पर एंड करना सही रहेगा इस ब्लॉग को, होप आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड बहुत मेहनत की है मैंने इस ब्लॉग पे, हर एक चीज़ पे मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, होप एडिटिंग भी अच्छी हो और ये ब्लॉग अच्छा रिलीज़ हो। सो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बनता है यार, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू।